आज इस वीडियो में मैं आपके लिए बॉश के वुड कटर्स, जिसे कि हम सर्कुलर सा भी कहते हैं, लेकर के आई हूं। मैं आपको बताना चाहती हूं, बॉश के वुड कटर्स के तीन मॉडल्स आते हैं, GKS 235 टर्बो, GKS 190 एंड GKS 130। तो जो भी मेरा कारपेंटर भाई सर्कुलर सा खरीदने की सोच रहा है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं इन तीनों मॉडल्स की जो है डिटेल में जानकारी देने वाली हूं, इसकी कीमत भी आपको बताऊंगी। और जिन भाई लोगों ने ऑलरेडी ये तीनों मॉडल्स खरीद रखे हैं और ओरिजिनल स्पेयर्स अगर इनके चाहते हैं, तो वो भी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगी कि आप बॉश के ओरिजिनल स्पेयर्स कैसे खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें। बिना ज्यादा टाइम लेते हुए इन तीनों मॉडल्स को डिटेल में जानते हैं, लेट अस स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मॉडल्स की। तो मॉडल GKS 235 टर्बो जो है एक 9 इंच का सर्कुलर सा है, और GKS 190 7 इंच का सर्कुलर सा है, और GKS 130 भी 7 इंच का सर्कुलर सा है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मोटर के पावर की। तो GKS 235 की जो मोटर है वो 2050 वॉट की है, GKS 190 की जो है 1400 वॉट की मोटर है, और GKS 130 की जो है 1300 वॉट की मोटर है। तो बहुत से भाई लोग क्वेश्चन करते हैं कि मैडम इसकी कटिंग डेप्थ कितना होगा। तो जैसे कि आपने सर्कुलर सा में देखा है, एक बेवल कटिंग का ऑप्शन होता है, जिसमें 0 से 45 डिग्री में एंगल दिया होता है। तो जब हम बेवल एंगल को 0 डिग्री पे रखते हैं, तो 235 टर्बो जो है वो 85 mm डेप्थ वुड को काटेगी, और GKS 190 0 डिग्री पे 67 mm काटेगी, GKS 130 जो है 0 डिग्री पे 64 mm कटिंग डेप्थ करेगी। और जब हम बेवल एंगल को 45 डिग्री टिल्ट कर देंगे, तो GKS 235 टर्बो जो है 65 mm करेगी, GKS 190 49 mm करेगी, और GKS 130 जो है 45 डिग्री पे 45 mm डेप्थ वुड की कटिंग करेगी। तो दोस्तों, अब मैं आपको जो है इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस का कंपैरिजन करके बताती हूं। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको पावर बताया था, GKS 230 2050 वाट का है, 190 1400 वाट का है, और 130 1300 वाट का है। उसके बाद दोस्तों, उसमें जो ब्लेड लगना है वो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। 235 में 235 mm डायमीटर का ब्लेड लगेगा, और 190 पे आप मैक्सिमम डायमीटर जो ब्लेड का होगा 190 mm तक का लगा सकते हैं, और 130 में जो है आप 184 mm तक का ब्लेड, यानी कि 7 इंच तक का ब्लेड आप इसमें लगा सकते हैं। तो नो लोड स्पीड जो GKS 235 की है वो 5300 रहेगी, और GKS 190 की 5200, और GKS 130 5800। तो दोस्तों, जो ब्लेड इसमें लगता है उसका जो इनर डायमीटर रहता है, होल जो रहता है, वो GKS 235 में जो ब्लेड लगता है उसमें 25 mm यानी कि 1 इंच का बोर वाला ब्लेड लगेगा, और जो 190 है उसमें 20 mm का, और 130 में भी 20 mm बोर वाला ब्लेड जो है इसमें लगता है। तो वेट की यदि मैं बात करती हूँ, तो GKS 235 टर्बो हैवी ड्यूटी जो है वो 7.6 kg वेट आ जाता है, 190 का 5 kg अप्रोक्सीमेट, और 130 का जो है 4.5 kg के आसपास उसका वेट रहेगा। तो दोस्तों, अब बात आती है वारंटी की। तो तीनों ही प्रोडक्ट्स पे आपको पूरे 1 साल का वारंटी मिलता है, और वारंटी में दोस्तों थोड़ा सा क्लियर कर दूं, लोग वारंटी में सोचते हैं मशीन एक्सचेंज हो जाएगा या उसका कोई पार्ट चेंज हो जाएगा, कोई भी पार्ट, तो ऐसा नहीं होता है। वारंटी में सिर्फ 2 पार्ट्स चेंज होते हैं, आर्मेचर एंड फील्ड कॉइल, सिर्फ 2 पार्ट्स की कंपनी वारंटी देती है, और ये वारंटी आप बॉश के किसी भी सर्विस सेंटर पे क्लेम कर सकते हैं अगेंस्ट योर बिल। तो दोस्तों, जिन भाई लोगों के पास ऑलरेडी ये तीनों सर्कुलर साज है, तो उनको दिक्कत आती है कि भाई बॉश के ओरिजिनल स्पेयर्स नहीं मिलते, बॉश के ओरिजिनल स्पेयर्स कहां से ले। GKS 235 टर्बो का ये ड्रॉइंग है, इसमें पार्ट नंबर दे रखा है, जो भी पार्ट नंबर आपको चाहिए आप हमें जो है व्हाट्सएप पे ऑर्डर कर सकते हैं। GKS 190 का ड्रॉइंग है, GKS 130 का ड्रॉइंग है, उस पे हर एक
पार्ट का एक पर्टिकुलर नंबर मेंशन है, आपको जो भी स्पेयर चाहिए आप उसका स्पेयर नंबर लिखिए, हम आपको स्पेयर मशीन तो हम आपको ऑल ओवर इंडिया दे ही सकते हैं बट उसके ओरिजिनल स्पेयर्स भी हम आपको डिलीवर कर सकते हैं, इसलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बॉश एक ऐसा कंपनी है जिसके स्पेयर्स जो है अवेलेबल इजीली हो जाते हैं और इसके जो सर्विस सेंटर है ऑल ओवर इंडिया है। तो दोस्तों बॉश के इन तीनों सर्कुलर साज में मैं रिकमेंड करती हूं कि आप बॉश के ही सर्कुलर सा ब्लेड लगाएं, एक्सपर्ट फॉर वुड। दोस्तों इसमें 235 mm में जो है 60 टीथ 80 टीथ का आप ब्लेड लगा सकते हैं और 184 mm में जो है 1 इंच के बोर का भी आता है और 20 mm के बोर वाला ब्लेड भी आप लगा सकते हैं। 150 mm का ब्लेड आता है 20 mm बोर के साथ, 36 टीथ का वाला ब्लेड जो है आप GKS 130 में लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो भी साइज का ब्लेड चाहिए आप ब्लेड भी हमारे पास ऑर्डर कर सकते हैं, हम मशीन के साथ साथ आपको बॉश के ब्लेड्स भी दे सकते हैं। तो दोस्तों अब बात आती है कीमत की कि इसकी प्राइस क्या है मशीन की। तो दोस्तों 235 टर्बो मॉडल सबसे हैवी ड्यूटी मॉडल है और आज के दिन जो इसकी कीमत है 13,950 रुपए विद ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी हम दे सकते हैं। 190 का जो करंट प्राइस है 10,950 और GKS 130 का 7,550 जो है आज के दिन इसका करंट प्राइस है विद डिलीवरी, लेकिन प्राइसेस हमेशा सेम नहीं रहते हैं। फॉर लेटेस्ट प्राइस यू हैव टू कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर जो कि मैं वीडियो के एंड में आपको दूंगी। तो चलिए अब हम डेमो देखेंगे। सबसे पहले डेमो देखेंगे GKS 235 टर्बो का। देखेंगे GKS 190 का डेमो। और फाइनली अब हम देखते हैं GKS 130 का डेमो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा अपना व्यू कमेंट बॉक्स पे जरूर शेयर कीजिएगा। प्रोडक्ट की कीमत जो है मैं ऑलरेडी आपको वीडियो के अंदर बता चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रोडक्ट के प्राइसेस हमेशा सेम नहीं रहते हैं। फॉर लेटेस्ट प्राइस यू हैव टू कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। जैसे कि आप लोग जानते हैं बॉश के जो डीलर्स हैं वो रूरल एरियाज में नहीं होते हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप हमें ऑर्डर दे सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप पे अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, अपना नेम कॉन्टेक्ट नंबर पिन कोड शेयर कर सकते हैं, हम लोग जो है आपको ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी दे सकते हैं। अब आप घर बैठे ही अपने प्रोडक्ट को ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। सो दोस्तों इस प्रोडक्ट से रिलेटेड यदि आपकी कोई और इंक्वायरी है तो आप अपनी इंक्वायरी कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।